بچہِ گۄڈٕنیٚتھ ووٚن مےٚ یِمن اگر تۄہہِ میون خوٗن لگوٕ مگر تُہۍ کٔڑِو मेरे पापा के लिए मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरे पापा भी की सारी कामयाबी का क्रेडिट मैं अपने पापा को देती हूँ। इंसान मेहनत करे तो कामयाबी उसकी कदम चूमती है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। नाजरीन डेली न्यूज के इस निशस्त में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन जैसा की आपको मालूम है की कल शाम 5:30 बजे के करीब नीट के नतीजे नजरआम आने के बाद हजारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियों ने उस इम्तिहान में सबकत हासिल की है। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त मौजूद है जिला रतना के हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद के एक छोटे से गांव शंकरपुरा में मौजूद है, जहां पर एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले राहिल अकबर ने भी 647 नंबरात हासिल करके इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। जी हाँ, राहिल अकबर ने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि पूरे इलाका शाहबाद का नाम फख्र से ऊंचा किया है। राहिल अकबर का वालिद पेशे से मजदूर है, लेकिन राहिल ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस इम्तिहान को क्वालिफाई करके अपना सर अपना नाम फख्र से ऊंचा किया है। सीधे राहिल अकबर से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। राहिल, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम और साथ साथ हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद भी है। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया आप सभी का, और शुक्रिया मेरे वालिद साहब का, शुक्रिया मेरे सारे रिश्तेदारों का, शुक्रिया उन सब का जिन्होंने मुझे हर समय हर वक्त जब भी मेरे को ज़रूरत होती थी तो मेरे को हर वक्त हर इंसान ने मेरे को मदद की है, उन सब का शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरा जो गांव है यहाँ पे हर किसी ने मेरे को दुआएं दी है आज तक, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहिल, ये बताए जब कल नीट के नतीजे सामने आए तो जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, किसी भी इम्तिहान के हवाले से जब नतीजे का ऐलान। जी पहले तो मतलब एक्सपेक्टेड था नहीं कि आज रिजल्ट आएगा, क्योंकि जितना भी था जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वो तो थी कि 14 जून को आएगा, तो बस ऐसे ही की तो चेक की हुई थी, तो अभी मैं सोच रहा था कि 14 को आएगा, तो मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई भी एक्सपेक्टिंग थी नहीं, तो उसी वक्त मेरे को एक कॉल आई कि ऐसे रिजल्ट आ गया। पहले तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं, अभी कहाँ आएगा, अभी तो की के 2 ही दिन हुए, अभी ऐसे थोड़ी ना आएगा। फिर जब 2-3 कॉल्स आए तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये सच ही बोल रहे हैं। तो फिर पहले तो जब मैं वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे मेरे को कुछ दिखा नहीं, तो मेरे को फिर लगा कि ये फिर मजाक ही कर रहे हैं, बट फिर मेरे दोस्त ने एक ने फ़ोन किया, उसने बोला कि हाँ मेरे इतने आ रहे हैं तो अपना दे, तो फिर उसने मेरे को मैम ने बोला कि मेरा लिंक तो ओपन ही नहीं हो रहा, उसने फिर मेरे को लिंक सेंड करे, और फिर जब मैंने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना बराबर था। तो कितनी खुशी हुई है उस टाइम? उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं तो हमें इस वक्त बयान नहीं कर सकता, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मैंने मुझे फिर उस वक्त फील हुआ कि हाँ मैंने घर वालों का नाम जो है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करा है। राहिल, ये बताइए कि इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? देखिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना एक मामूली सी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। पहले तो मतलब अगर हम देखें कश्मीर में तो यहाँ पे एक ट्रेंड है कि मतलब ऑफलाइन, जब हम जैसे लोग ऑफलाइन जाते हैं तो हम या तो बीच में ही कहीं भी फंस जाते हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती, या तो फिर हमारा कभी किराया का मसला हो जाता है, या तो कभी कॉपी का मसला हो जाता है, मतलब हमारे लिए जो है ये बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमको आपको हर वक्त स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको हर किसी चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं तो फिर भी मेरे घर वालों ने जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने करा मेरे लिए। फिर ऑफलाइन तो मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि उतना तो घर के वसाइल है नहीं, तो फिर मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन करा, और ऑनलाइन से मेरे को शुक्र उनका भी जिन्होंने मेरे को ऑनलाइन पढ़ाया, PW से मैंने ऑनलाइन पढ़ा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वहाँ पे भी जब फिर मेरे को मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर करा तो मेरे को लगा कि ऑनलाइन ही बेस्ट है, मतलब मैंने ऑफलाइन भी कुछ महीने पढ़े हैं, बट फिर मेरे को लगा कि एक तो ऑनलाइन में हम जैसे लोगों के लिए ऑनलाइन बेस्ट है, तो फिर मैंने ऑनलाइन शिफ्ट किया और रिजल्ट आज ऑनलाइन। आपका बचपन से ही शौक था कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो? मेरा तो बचपन से ही शौक था कि घर वालों के लिए कुछ करना है, फिर घर वालों ने ही मेरे को एक्चुअल में अगर देखेंगे तो ये डॉक्टर का जो सपना है मेरे को घर वालों ने ही दिया है। यानी आपका सपना नहीं है, घर वालों का सपना है, पेरेंट्स का सपना है, इन्हों के लिए मैंने ये सब कुछ करा है, और मुझे सोचा कि घर वालों का घर वालों का ख्वाब है, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ करा है तो मैं इनके लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ, फिर मैंने सब कुछ जो भी मुझसे हो सका वो मैंने करा।
अपने घर वालों के लिए। कितना सपोर्ट मिला आपको घर वालों से? तो मतलब इनसे जितना भी हो सके, इनने घर मतलब टाइम में घर का लौता बेटा हूँ तो मेरे को जब भी काम होता था ऑनेस्टली घर वाले मेरे को करने नहीं देते थे। मतलब जब भी कहीं भी कोई भी काम होता था मेरा, मेरे घर वाले मेरे को नहीं करने देते थे, तू पढ़ रहे हैं बस तू पढ़ और हमें तेरे से और कुछ नहीं चाहिए, तू बस पढ़। फिर जितने भी काम थे मेरे वो घर वाले करते थे, मेरी बहन कभी करती थी, मेरे बाप ने जितना उनसे हो सका उन्होंने वो सब कुछ करा और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। आखिर पर ये बताइए क्या मैसेज रहेगी पहचे थे एक नौजवान? उनको सिंपली अपने घर वालों की तरफ देखना चाहिए, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या मैं अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या मेरे घर वाले इससे खुश है या नहीं है। अगर उनके घर वाले उससे खुश है, वो ये घर वालों को अपनी ये बात बता पा रहे हैं फ़ख्र से, तो मतलब उनके लिए ठीक है। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको घर वालों से मुँह छुपाना पड़ रहा है, या फिर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वो घर वालों को नहीं बता सकते, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर गलत ही है और उनको उससे बाहर आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे राहिल अकबर जिन्होंने अपनी पूरी कहानी अपनी जुबानी सुनाई कि किस तरह इन्होंने इस नीट को क्वालिफाई करने के लिए जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर एक चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया है। खुशी वन मैं खुशी मे क्या बहुत मे दिलस मे अरमान तम अरमान गई मे नसब पूर नसब चुन ग क्या मे हज बच्चे जोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। मतलब मैं जाहिर ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, खासकर मेरे पापा के लिए। मेरे पापा ने, जब मेरे पापा फिफ्थ में पढ़ते थे, उन्होंने फिफ्थ में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब अपनी माँ के कहने पर अपना घर चलाने के लिए। मेरे पापा ने फिफ्थ से मजदूरी की है आज तक, मतलब आज भी वो काम पे जाने के लिए मतलब वो जा नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए वो इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने भाई की सारी कामयाबी का क्रेडिट मैं अपने पापा को दी, क्योंकि जब भी मतलब जब भी कोई घर पे कोई खेती, हमारे यहाँ खेती का काम भी होता है, जब भी कोई खेती पे कोई काम होता है, मेरे पापा ने आज तक मेरे भाई को कभी नहीं बोला है कि मुझे इस काम में हेल्प कर दो इस काम में। वो हमेशा यही कहते हैं कि वो पढ़ रहा है मतलब, और हमें इस पर बहुत फख्र भी हो रहा है और हमें इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी था। मतलब सिर्फ हमें घर वालों को नहीं, पूरे खानदान के खानदान को था कि मतलब ये कर देगा। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं बता नहीं सकती कि इसने कितनी मतलब, कहते हैं ना कि वो मिडनाइट ऑयल कितना बर्न किया है इसने, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसने छः में अगर मतलब एक्चुअल में देखे तो इसने 6 महीने में नीट निकाला है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फख्र की बात है, क्योंकि मैं खुद नीट की प्रेपरेशन कर रही हूँ और मुझे पता है कि इसमें कितनी स्ट्रगल आए थे, खासकर हम जैसे बच्चों के लिए जिनके जो एक मिडिल क्लास, खासकर लो लेवल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कभी तो पेन होता है, कभी नहीं होता है, कभी कापी होती है और हम अपने माँ बाप को मतलब वो कहते हैं ना कि ज़ोर से बोल नहीं सकते, हुक्म मतलब वो कह नहीं सकते, हमें चाहिए, हमें दो, हमें जितना हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं हम उसी में खुश रहते हैं कि मतलब हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना भी करते हैं। और जितना मेरे पापा ने मेहनत किया और आज उसी सब्र का, उसी मेहनत का रंग ये है कि मेरे भाई ने नीट क्वालिफाई किया है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इतनी खुशी हो रही है। अपने भाई के लिए उतनी खुशी नहीं हो रही जितनी मेरे पापा के लिए मुझे खुशी हो रही है कि अब मेरे पापा भी किसी दिन आराम करेंगे, वो भी सर उठा के चलेंगे मतलब हम। और ये एक बात है कि जब कोई खानदान में गरीब होता है उसे थोड़ी नीची नज़र से देख
मतलब देखते हैं कि ये थोड़ा वो है। मेरे पापा को भी कहीं ना कहीं इज्जत काम मिलती थी, या हमें कभी ना कभी कहीं पे काम इज्जत मिलती थी, लेकिन मेरे पापा ने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा यही कहा कि तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो, मतलब मेरी मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तुम लोग हो, तुम लोग बन जाओगे तो मेरे लिए वही सब कुछ है।